नमस्कार दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति का 15वां सीजन एक बार फिर से जल्द ही टीवी पर शुरू होने वाला है। अगस्त के पहले हफ्ते से इसका शुरू होने की संभावना है और कौन बनेगा करोड़पति के बारे में हर अपडेट हम लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं। आज भी एक ताज़ा अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपने कर लिया होगा। दोस्तों, आपको बताते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति का 15वां सीजन जल्द ही टीवी पर शुरू होने वाला है। इस बारे में शूटिंग शुरू हो चुकी है और अमिताभ बच्चन ने भी कई फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करके इसके बारे में जानकारी दी है। हमने आपको इससे पहले वीडियो में भी बताया है, प्रोमो लॉन्च हो ही चुका है, प्रोमो के बारे में भी हमने आपको जानकारी दी थी। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति टीवी जगत का बहुत ही लोकप्रिय शो है, जिसे अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं। इसके एक सीजन को छोड़कर अमिताभ बच्चन ने अभी तक सारे सीजन को होस्ट किया है और इस बार भी अमिताभ बच्चन इसे होस्ट करने के लिए आपके सामने हाजिर होंगे। दोस्तों, आप ये भी जानते होंगे कौन बनेगा करोड़पति बहुत लोकप्रिय है, 2020 की शुरुआत हुई थी साल में। और दोस्तों, इसके प्रोड्यूसर जो है वो सिद्धार्थ बसु है। सिद्धार्थ बसु को क्विज मास्टर भी कहा जाता है इंडिया का, और वही ये शो लेकर इंडिया में आए थे जब 2000 में शो की शुरुआत हुई थी और अमिताभ बच्चन ने इसी शो के साथ टीवी पर डेब्यू भी किया था। अब इसी के बाद अमिताभ बच्चन के कैरियर में दोबारा उनका जो करियर का ग्राफ है ऊपर चढ़ना शुरू हुआ था और वो बेहद ही पॉपुलर हो गए थे। अब दोस्तों, इसके जो प्रोड्यूसर हैं सिद्धार्थ बसु, उन्होंने अभी एक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया है जिसमें वो इस शो के बारे में कई सारी अच्छी बातें बताए हैं और चौंकाने वाली बातें उन्होंने बताई हैं। वो उनका ये कहना था कि जैसे जैसे शो आगे बढ़ा, शुरुआत में तो काफ़ी डर था शो को लेकर, चलेगा नहीं चलेगा, कैसा रहेगा। तो जो पहला सीजन आया तो काफ़ी रिजर्व थे, लेकिन गहरा प्रभाव पड़ा और फिर धीरे धीरे लोग इस माहौल में ढलने लगे। और उस वक्त 10 कंटेस्टेंट्स को सिर्फ एक एपिसोड में एक बार ही मौका मिलता था, और लेकिन अभी हफ्ते भर के लिए हो गया है। अमिताभ बच्चन को लगता था कि यह सही नहीं है अगर लोग उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। उनका ऐसा मानना था कि गेम पर फोकस करो, जीतो और हारो, लेकिन उनके बारे में बात ना करो। तो ये जो है सिद्धार्थ बसु, उन्होंने इस शो की जर्नी के बारे में बताया है। उन्होंने अमिताभ बच्चन के बारे में भी कई बातें शेयर की हैं। उनका कहना है कि कंटेस्टेंट के तालमेल के बारे में भी जिक्र किया जो सिद्धार्थ बसु उन्होंने कहा, और कहा कि अगर कोई गलत जा रहा होगा या गलत जवाब दे रहा होगा तो वो पैनिक में आ जाते हैं और प्रेशर फील करने लगते हैं। अमिताभ बच्चन जी को टेंशन होती है क्योंकि उनका रिश्ता कंटेस्टेंट के साथ ऐसा है कि अगर कोई गलत जा रहा होगा तो वो कहेंगे कि हे भगवान, ये गलत जा रहा है या जा रही है, तो वो ये जवाब दे रहे हैं। लेकिन हम भगवान बुद्ध की तरफ पर रहने की कोशिश करते हैं कि मेरिट के लिए खेले, जो सही लगे उसके साथ आगे बढ़े। अब ये कई सारी चीज़ें उन्होंने इस बारे में और भी बताई। तो जो खास बात है वो ये कि उनसे सवाल पूछा गया सिद्धार्थ बसु से कि क्या कभी वो किसी कंटेस्टेंट के टैलेंट के हिसाब से उसको कठिन सवाल पेश करते हैं जब वो जीत के बेहद करीब होता है। तो सिद्धार्थ बसु ने इस पर तुरंत जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि अब तक शो के इतिहास में लोगों ने यहाँ से 200 करोड़ रुपये जीत लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, चौंक जाएंगे अब सुनकर, केबीसी के प्लेटफॉर्म से लोगों ने अब तक 200 करोड़ यानी 2 अरब रुपए जीत लिए हैं। और सिद्धार्थ बसु कहते हैं कि वो बहुत हार्ड एम्पायर हैं, जिसने भी उनके साथ काम किया वो इस बात को जानते हैं कि कोई भी उनको इस चीज़ से डिगा नहीं सकता। लेकिन हाँ, ब्रॉडकास्टर्स के लिए भले एक पड़ाव के बाद पसीने आने लगते हैं, किसी और शो ने कभी इतना पैसा कैश प्राइज में नहीं दिया है। केबीसी पर लोग 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा जीत चुके हैं और वो कहते हैं कि अगर आप इसकी तुलना किसी म्यूजिक शो से करें तो एक सीजन में विजेताओं को 25 लाख रुपये मिलते हैं, यहाँ हर सीजन में करोड़ों रुपये दिए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है, आपने देखा ही है, इसकी प्राइज मनी बहुत होती है और लोग अपने टैलेंट के दम पर, अपने जानकारी के दम पर यहाँ से जीत कर जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी केबीसी में जीतना चाहते हैं, यहाँ पे अच्छी खासी रकम जीतना चाहते हैं, तो तैयारी शुरू कर दें। दोस्तों, आप भी सवाल जवाब पढ़ना लिखना देखना शुरू कर दें और हमारे एपिसोड को, हमारे वीडियोस को हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर देखा करें। यहाँ पर आपको हर जानकारी मिलेगी और अब केबीसी का सीजन शुरू होगा तो आपके लिए मौका आ सकता है, तो इस मौके को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।